ज्ञातारं विश्व तत्वारं देवादि महावीर भगवान की जय। और जिनको दासा मई जिनमानी माता की जय। कुंकुम आचार्य भगवान की जय। कुमार स्वामी आचार्य भगवान की जय। सुमंत्र आचार्य भगवान की जय। उत्पाद आचार्य भगवान की जय। भगवंत आचार्य भगवान की जय। विशेष अधिक समाचार चार चक्रवर्ती आचार्य संत सागर जी महाराज की जय। सत्यदीप पंडाली आचार्य सोमणि गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मन शिक्षा गुरु ज्ञान सोमणि आचार्य सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ करो महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। हमारा परिचय अनादिकाल से परद्रव्यों के कारण होता रहा है, लेकिन जो हमारा शाश्वत परिचय है वो स्वयं के कारण है। हमारा परिचय हम शरीर से देते हैं, वचनों से देते हैं, मन से देते हैं, धन से देते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा परिचय आत्मा से हो जाएगा, आत्मा का परिचय हो जाएगा, उस दिन शरीर वचन मन और धन इन सबके परिचय शून्य हो जाएंगे। उस आत्मा के परिचय को आज तक हमने क्यों नहीं जाना, यही बात हमारे आचार्य भगवान बतला रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा शरीर वचन और मन है उसका भी सही परिचय क्या है, उसकी सही शक्ति क्या है, वो क्या काम करता है, इस बारे में हम थोड़ा सा चिंतन कर लें तो हमारे अंतर जगत का उद्घाटन हो जाएगा। संसार का रहस्य बीज और वृक्ष की भांति, वृक्ष और बीज की भांति चलता आ रहा है, इसको कोई बनाने वाला नहीं, लेकिन इसे अंतरंग जगत के बीज और वृक्ष की क्या परंपरा है, उस बीज का नाम है कार्मानुष शरीर। और वह बीज कैसे पुष्ट होता है, कैसे अंकुरित होता है, कैसे सुरक्षित होता है, ये हमारे शरीर वचन और मन इनके द्वारा क्रिया का संबंध होता है, उसकी आश्रय होता है। ये उस कर्म को भी उत्पन्न करने में कारण है। कर्म को बढ़ाने में कारण है, कर्म की रक्षा करने में कारण, तीनों काम हमारे शरीर वचन और मन, और उसको नष्ट भी शरीर वचन और मन के द्वारा किया जा सकता है। तो सारा प्राणी मात्र भावरूपी अंकुर को उत्पन्न करने वाले जो राग द्वेष
और मोह, इनके कारण कर्म का आकर्षण होता है, आश्रय होता है, तो भी जाते हैं और उसी से ही फसल मांगनी पड़ती है। तो जब हम अपने शरीर, वचन और मन को शुभ में लगाते हैं तो पुण्य की वरणाएं आती है और पुण्य से सुख समृद्धि संपदा मिलती है। और अशुभ में लगाते हैं तो पाप की वरणाएं आती है जिनके कारण दुख, दरिद्रता और प्रसन्नता उत्पन्न। और ये दोनों का प्रभाव हम जगत में देख रहे, कोई काल्पनिक बात नहीं, इस सबके साथ घटित। कहने का अभिप्राय है जब हमें कमाना ही है, पुण्य की बरनाई क्यों ना कमाएं, पाप तो नारीता से कमा ही रहे। वह पुण्य कमाने का साधन हमारा शरीर, वचन और मन। संप्राय से दसाय से संप्राय आश्रय, आकर्षाय से यह पथ आश्रय होता है। तो जैसे खेती में अच्छी क्वालिटी के बीज तो होते ही है, लेकिन कोई भी घास और कचरे के बीज नहीं बोता, वो तो ऑटोमेटिक अपने आप उग जाते। तो आवश्यक फसल के बीज में भी कृषि कृष्य थे कर्म क्षेत्र ही कसाया, जो हमारे कर्म क्षेत्र में, कर्म की खेत में कृषण करता है, किसान का काम करता है, बीज बोने का काम करता है, उसी कसाय को। जीव कांड ग्रंथ में नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने एक कषाय की परिभाषा लिखी है, कर्म क्षेत्रे कषंती कृषंती। कृषंती ध्वनंती आत्मान कर्म क्षेत्रे, खेत में अच्छे बीज बोए जाते हैं और बुरे बीज बोए जाते हैं। अपने हाथ में बीज बोना, अपना खेत है, अपने बीज। अभी अपन सोच ले हमें क्या करें, तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण, उसके पहले इंद्रिय कषाय अवरत और 25 क्रियाओं से सांप्राय का आश्रय होता है, उसमें जीव मन ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण होता है। पिछले दिनों से आपको हम बताते आ रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बार बार सुनने से हमारी चेतना में बात आएंगी, आज नहीं तो कल आएंगी, करना यही पड़ेगा। आज करो या अगले जन्म में करो, काल बात को ही पड़ेगा। अधिकरणम जीवा जीवा, जीव अधिकरण अजीव अधिकरण, उसमें आधार है। और जीव जो है 108 प्रकार से कर्मों को गाता है, शुभ हो या अशुभ, और उसी प्रकार से निर्वर्तना निक्षेप सहयोग निशर द्विचतुर्विक्री वेदा परम अजीव अधिकरण होता है। हमारे योग में आने वाली वस्तुओं की रचना, उनको रखना उठाना का ढंग, उनके साथ सहयोग करने का प्रयोग और उन्हें
परिवर्तन करना, प्रयोग करना मन वचन काय के द्वारा, ये सब अजीव आश्रव के नौ कर्म हैं। अजीव द्रव्य के द्वारा अशुभ कर्म आश्रय हो सकता है, अशुभ कर्म आश्रय हो सकता है। अजीव हमारे कर्मों के आश्रय में कारण बन जाते हैं। इसी चीज को अच्छी तरह से देख सोच के रक्त उठाने से शुभ आश्रय हो जाएगा, और उसी चीज को सीखना, पटकना, गलत तरीके से रखना, ये सब अशुभ किया। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें समझ में क्यों नहीं आती हैं? तो कहते ज्ञानावरणी कर्म उनको समझने नहीं आता। तो वो ज्ञानावरणी कर्म कैसे आ जाता है? तो जो जो साधन हमारे ज्ञान के सम्यक ज्ञान के साधन, उनके प्रति हमारे मन में क्या आता है? तो आचार्य के जहां सो कर्म और मोक्ष के देने वाली वस्तु स्वरूप का विवेचन हो रहा है और मन से उसकी उपेक्षा कर देना, आत्महितकारी वचनों की मन से उपेक्षा करने चाहिए, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी करना, वचनों से अपलाभ करना। आचार्य कहते सम्यक ज्ञान का अपलाभ करना, ऐसा नहीं है मैं नहीं जानता, ज्ञाने खुद जानते नहीं, दूसरों की मानते नहीं, अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शित करने की क्रिया का नाम अपलाभ। और मात्सर्य जो ज्ञान देने योग्य भी है, जिस अभिप्राय से नहीं दिया जाता या देने के अभिप्राय में अहंकार अधिकार है, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव है, वह भी मात्सर्य, उससे भी कर्म का आश्रय होता है, ज्ञान अवनी दर्शन। और कोई सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहा है, उसमें भी विघ्न बाधा करना, उसके साथ छुपा देना, प्रकाश का अभाव कर देना, शोरगुल करना, ये सब अधिकतम देखा गया है बड़ी बड़ी सभाओं में प्रवचनों के होते हैं। और आप बात करके नमस्कार करने के लिए पहुंच जाते हैं, दूर से पीछे से भी जोर जोर से चिल्लाते हैं महाराज जी नमस्कार करने के लिए, इससे सबका ध्यान भटकता है। और वक्ता का भी उपयोग बदलने से उसकी विशुद्धि से जो प्रवचन कर रहा है भंग हो जाता, यही तो अंतराय, यही आसाधना। आसाधना दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा है तो उसको भी मना करना, दूसरे को बता रहा है उसको मत बता देना, और इसी तरह से उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सम्यक ज्ञान को नष्ट करने की भावना रखना, इन सब की वर्णनाओं को हम लोग ऐसे कमा रहे हैं। और तत्वार सार में अमृत चंद सूरी ने और भी विशेष खुलासा लिखा है, सुसागर सूरी ने तत्वार वृत्ति में और भी खुलासा लिखा है, हमें वहां पढ़ना चाहिए। आचार्यों के वचनों को पढ़ने से हमें मजबूती आती है, आत्मस्थिरता होती है, कर्मों की असंख्या बेहतरा होती है, दृढ़ता आती है कि हमारे आचार्यों ने जो लिखा है हमारे हित के लिए। अचाता वेदनी के लिए दुख शोक का पात्र नहीं, ये सब जैसे हम दुख को फीलिंग करके उसे कम दुख को ज्यादा रूप में दूसरों को फीलिंग कराएं, फीलिंग करें, ये सब अच्छा। और छाता वेदनी के रूप में भूत रत्न कंपा दान राग सनिवाजी का शांति सौरभ, छाता वेदनी वर्णाओं भूत अनुकंपा भूति अनुकंपा, तीन लोग के प्राणी चतुर्गति के प्राणी सुखी रहे, ऐसी अनुकंप भाव
और विधि लोगों की अनुकूलता हो, दानादि के द्वारा उनकी चर्या का निर्वाह करें, स्वयं श्राद्ध संयम महाव्रत आदि को पालन करने की भावना रखें और कषायों के प्रभाव से क्या हानि होती है इस बात का चिंतन करके कषायों को स्वयं के अंदर की कषायों को निकाल देना शांति है और अपने प्रयास से सामने वाले जीव की भी कषाय का निरसन कर देना क्षमा। हम मामू सब जीवाणु, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, ऐसा कहने से अपना क्रोध भाव नष्ट हो जाए। सबे जीवा खंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करें, ऐसा कहने से अपने जीवन का मान भाव नष्ट हो जाए। कोई क्षमा नहीं मांगते तो हम क्षमा मांगते, तो सब जीव मुझे क्षमा करें ऐसा भाव कहने से स्वयं का मान भाव, और मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं इसे क्रोध भाव, और मित्र में सब सब जीवों में मेरी मित्रता है ऐसा कहने से माया भाव नष्ट होता है। मित्रता से सत्ता बन जाती है, क्यों? उसने अपना कोई चीज छुपा ली, मायाचारी कर दी, तो अपना मन उसे फट जाता है। जब मैत्री है तो भैया मैत्री में तो कुछ छुपा नहीं, मैत्री में कुछ छुपा नहीं होता। कैसे छुपा नहीं होता है? प्राचीन काल में जो कहावती थी, मुहावरे थे, बहुत कुछ थे। पहले कहते लंगोटिया यार, अब लंगोटिया यार क्यों कहते हैं? जिस प्रकार लंगोट जो होता है, अधो वस्त्र जो होता है, हमारे गुप्त अंग की अच्छी बुरी कोमल को जानता है, ऐसे जो मित्र होता है वो हमारे मन वचन काय की अच्छी बुरी को जानता, उससे कुछ छुपा नहीं, और छुपाना शुरू कर दिया तो मित्रता खत्म हो जाती है। तो मायाचारी नष्ट करने के लिए मित्र मैत्री भाव और बैरम मच्छन्ना की मेरा किसी से बैर, बैर किससे उत्पन्न होता है? दो कसाय से बैर उत्पन्न होता है। बैर यानी बदला लेने का भावना, बैर का मतलब बदला लेने की भावना। तो लोग से बैर उत्पन्न होता है, इन कसायों के जो प्रभाव हैं, हम लोग अपनी चर्या को समझें, उसे मन वचन काय की व्यापार समझें, तो हमारी आत्मा परमात्मा बढ़ेगी, इन लोग खूब बन जाएगी। इतना सरल फार्मूला बता रहे, परमात्मा बनने का विज्ञान विश्व के किसी दर्शन में नहीं है, जैन दर्शन में है, पाश्चात्य संस्कृति का दार्शनिक जाट वानर, उन्होंने जैन दर्शन को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे प्रिय धर्म जैन धर्म है, जिसमें प्रत्येक आत्मा को पूर्ण परमात्मा बनने का अधिकार। बड़े बड़े दार्शनिक लोग जैन धर्म में पैदा होने की भी लालाय, हम तो इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, लोगों की उसे सुनते आ रहे हैं। आइंस्टीन ने भी यही बात अपने अंतिम वाक्यों में लिखी है, अब यदि मेरा कोई जन्म हो, मनुष्य जीवन मिले, तो जैन धर्म में मेरा जन्म हो, क्योंकि अभी तक मैंने उद्गल विज्ञान का आविष्कार किया है, उद्गल विज्ञान की प्रति है, लेकिन मैं जैन धर्म में जन्म लेकर के उस आत्मविज्ञान की खोज करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा उद्गल जाना जाता है।
अब मैं उस जानने वाले को जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। इसका मतलब भैया वही अपने आप को जानने की अंदर से प्रेरणा करें। तो भूत प्रति अनुकंपा दान श्राद्ध संवादी योगा शांति शौच मुक्ति सर्विस से शौच यानी निर्लोकता और अपने इस तन मन धन का भी विषय कषाय में उपयोग ना करके और धर्म के प्रति उदारता का आविर्भाव करें तो तीव्र शाता वेदनी कर्म की भरनाएं आएंगी और हमारे जीवन का परिवर्तन होगा। मोहिनिया कर्म के बारे में हमने आप बताया था केवली शुभ संग धर्म देवा वर्णवाद दर्शन अवश्य अवर्णवाद करना उनके स्वरूप को बिगाड़ना ही अवर्णवाद है। ध्यान किसी के वास्तविक स्वरूप को बिगाड़ना विपरीत कर देना वही अवर्णवाद है। केवली का वर्णवाद श्रुत का वर्णवाद संघ का वर्णवाद धर्म का वर्णवाद और चतुर्मिता का वर्णवाद ये दर्शन मोहिनी यानी मिथ्या की नौ कर्म है। शास्त्र मोहिनी कसायोदया तीव्र प्रणाम कषाय के उदय से जो तीव्र प्रणाम होते हैं पिछले दिनों बताया था जो हमें अच्छा नहीं बनने देती वह दर्शन मोहिनी है और जो हमें अच्छा नहीं करने देती वह चार्थ जो हमारे बनने में बाधक है वही तो दर्शन मोहिनी और चार्थ किसने रोका है हमें अपने घर आने से किसने रोका है हमें अपने घर आने से या तो मोह का अंधियारा है या वासना का अंधापन। मोह का अंधियारा दर्शन मोहिनी है और वासना का अंधापन चार आंखें हैं अंधेरा है वस्तु स्वरूप नहीं दिख रहा यही दर्शन और खूब उजाला है खूब उजाला है लेकिन आंखें नहीं है तो भी वस्तु स्वरूप ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी और मोहिनी की नौ कर्म की चर्चा करने के बाद आयु कर्म नरक आयु कैसे बंधती है वह आरंभ परिग्रह नरक बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु की आशा किसके लिए दौड़ रहे किसके लिए कर रहे रोटी और रोटी का व्यवहार बहु आरंभ बहु परिग्रह में निमित्त इसलिए जिसकी रोटी बेटी शुद्ध है उसे बहु आरंभ बहु परिग्रह नहीं करना रोजी रोटी कमाने के लिए भाग रहे विदेशों में अरे संतोष सकी भाई प्राचीन काल में परिग्रह प्रमाण व्रत रूप कर लेते थे और उसका प्रभाव होता था। सुना जाता है कि ताम्र संस्कृति में जो अहमदाबाद में आनंदजी कल्याण जी की पीढ़ी है तो क्या है आनंदजी कल्याण जी कौन है कौन थे क्या किया उन्होंने ऐसा सुना जाता है कि आनंदजी कल्याण जी सेठ और मुनि
आनंद मुनिमता और कल्याण जी से जो वहां पर गुरु लोग आए और गुरु लोगों ने उपदेश दिया, परिग्रह प्रमाण पर उपदेश दिया। तो सेठ जी ने उस जमाने में बड़े जौहरी और जो भी होंगे उन्होंने अपनी व्यवस्था जमात लगा करके भाई इतने लाख रुपया रख करके या करोड़ रुपया रख करके इसके बाद हम संचय नहीं करेंगे, नियम ले लिया। अब सेठ जी ने नहीं दिया, गुरु साहब तो कितने मिलते होंगे उस जमाने में, 100-200 रुपया महीने देते होंगे, उनने भी नियम ले लिया, उसमें लाख रुपये से ज्यादा नहीं रखा। सोचे नहीं कि भाई लाख भी जोड़ पाएंगे मेरे जीवन में, और नियम लेने के बाद व्यापार में बहुत तरक्की हुई, बहुत पैसा आया। अब सेठ जी क्या करें, तो उन्होंने कहा मुनीम साहब का इतना नियम है तो बाकी पैसे मुनीम साहब को दे। अब मुनीम साहब की भी पैसे बढ़ने लगे, अब दोनों क्या करें मिलकर के। गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज ने कहा भाई परिग्रह प्रमाण की जो भी आए है उसका आप ट्रस्ट बना दीजिए, जिससे धर्म की प्रभावना होगी और आज उसमें अरबों रुपए की संपदा, अरबों रुपए उस ट्रस्ट के अंदर है। तो परिग्रह प्रमाण करने से अपने आप संपदा बढ़ती है। एक श्रद्धालु को हम जानते हैं, उन्होंने लखनऊ में वरदत्त सागर जी महाराज आए सन 99 में किया और उपदेश हो रहा था। सब श्रद्धालु लोग अच्छे लखनऊ में तो नवाब लोग रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले आदमी बैठे थे और महाराज ने कहा भाई परिग्रह प्रमाण का व्रत ले लो, और आज नहीं आज रात में सोच लेना और कल सवेरे बता देना। तो सब ने सुन लिया और सुबह हो गई, दूसरे दिन प्रवचन में बैठी। महाराज ने कहा भाई बताओ किस किस का नियम है। सब ऐसे बैठे जैसे किया की बैठक में आए हो। एक व्यक्ति इटावा के महेंद्र कुमार जी भद्र प्रणामी संतोषी जी, बचपन से संघर्ष किया, घर घर की चलाई, उनका एक बेटा लखनऊ में कोचिंग सेंटर छोटा सा खोल करके अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा था। तो बच्चे के पास गए हुए थे, उन्होंने कहा भैया हम महाराज हैं, चलो उनके दर्शन कर देते हैं, उनसे सुन लेते हैं। अब वो जो है सबका नंबर आया, किसी को इनका भी खड़े हो, महाराज जी हम नियम लेते 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं रखेंगे। अब उनके पास 50 लाख भी नहीं थे, 100 करोड़ का नियम ले लिया। और नियम लेते ही उनके यहाँ व्यापार में इतनी वृद्धि हुई कि सन 13 या 14 में उन्होंने बताया उनके यहाँ कोचिंग सेंटर चलता है पूरी ऑल इंडिया और विदेशों में भी चल रहा है। लगभग 5 लाख विद्यार्थी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं और 150-200 स्कूल पूरे देश में खुले हुए हैं। और सन 13-14 के अंदर गवर्नमेंट को एजुकेशन विभाग में जो टैक्स लगता है उस जमाने में उन्होंने संपदा में 35 करोड़ रुपया इनकम टैक्स किया सकता है। और पूरे भारत देश में जब वहाँ एक यात्रा मौजूद थे उनके द्वारा कष्ट अवार्ड दिया गया और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड लेवल पैदा करना एजुकेशन से इतना उन्होंने इनकम। ये इसलिए बता रहे हैं कि देना सीखो। पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी अपने प्रवचन में संस्मरण आचार्य श्री का सुनाते हैं कि गरीब आदमी आया तो महाराज को नमस्कार है, महाराज कहते भाई दान कर। अब वो कहते हमारे खाने को नहीं, दान क्या। अरे भाई वर्तमान युग पढ़ते हैं यही कहानियां आती है, संबत पौंदी में एक सद ने अपने लिए आहार बनाया और मुर्दा जा गई,
उनको पढ़ा लिया, ग्रास का शोधन करके अतिथि के निमित्त बनाया था वो दे दिया। महाराज को भाई आप तो कराना पड़े, अपने निमित्त का बनाया था वो भी दे दिया। पत्नी की तरफ देखा, भैया ये भी दे दो, वो भी दे दिया। और उस आहार का दान का प्रभाव इतना हो गया तो क्या दिक्कत। तो बीज छोटा होता है, दान का भी बहुत छोटा होता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, ध्यान रखिए आप पेट इतना हो जाएगा तो उसने बाद दान देंगे, इतना हो जाएगा तो देंगे, इतना हो जाएगा, कभी नहीं। आज तक इतना हो गया और किसी ने कितना हो गया, मन पलट जाता है। आपके पास जितना है उतने में ही आप देना सीखें, और नहीं देते हैं तो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह में ही हम लगे रहेंगे, हमारे कल्याण का मार्ग कभी नहीं खुल सकता। एक अम्मा जी थी और अम्मा जी के द्वार पर एक भिक्षुक आया, भिखारी। भिक्षुक थोड़ा ऊंची पार्टी का होता है संत रूप में, और भिक्षामदेही कहने लगा, तो माता जी कहती हैं कि हमारे यहाँ तो सूतक है, तो सूतक की तो भिक्षा हम दे नहीं सकते। तो उस संत कहने लगा कि भाई हम कल परसों में आ जाएंगे, अम्मा कब तक ये सूतक है आपके यहाँ। अम्मा कहने लगी कि जब तक जन्म लिए बालक की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सूतक है। अब संत भी घबराया कि ऐसा कैसा सूतक भाई, भाई जन्म का सूतक तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक वो बच्चा मरेगा नहीं तब तक सूतक रहेगा। तो भिक्षुक ने पूछा, अम्मा ऐसा कौन सा बच्चा पैदा हुआ है जिससे तुम्हारा सूतक है। तो अम्मा कहती है, मेरे यहाँ दरिद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ है। दरिद्रता नाम का पुत्र पैदा है, और जब तक वो मर नहीं जाएगी दरिद्रता तब तक मेरे घर में सूतक है। तो ध्यान रखना, तुम कितने भी पैसे वाले हो, कितना भी सब कुछ हो, यदि आप दान नहीं देते हो, प्रतिदिन पूजा नहीं करते हो, तो आपके घर में वो सूतक ही करता। दान की महिमा अपरंपार। फिरोजाबाद में एक व्यक्ति हाथ ठेला पर पॉपकॉर्न बेचता था, मक्की के दाने फोड़ करके वो गली गली में चौराहे पर खड़ा हो जाता। लेकिन मालूम पड़ी कि महाराज आए, दर्शन करने गया और उनकी सेवा की, वैद्यावृत्ति की, इतना पुण्य कमाया, बिल्कुल ताजा, कोई पुराना नहीं है, कोई संग आने वाला था, कुएं का पानी लेते थे। अब कैसे, वो गांव में कुएं सूख गए, दूर दूर पानी, पिताजी हम पानी लाएंगे, और दूर से माथे में पानी रख करके साधु की चर्या कराई। इतना पुण्य पड़ा कि जो किराए के मकान में रहता था उसका घर का मकान हो गया। कोई व्यापार नहीं था, आज उनके घर की दुकानें और मकान हो गए, बच्चों की अच्छी अच्छी शादियां कर दी। ये दान की महिमा है। इटावा में एक घटना घट गई मेरे साथ। तो एक श्रद्धालु रात के 9 बजे के बाद आ गए और सवेरे आए, दर्शन किए अपनी दुकान पर। अब क्या करें, पूरे चातुर्मास हुआ, सब घर घर चौकी लगे। अब बिल्कुल 4 दिन रह गए, 6 दिन रह गए बिहार के। कोई अभिप्राय मेरा दूसरा नहीं था,
लेकिन ऐसे ही मैंने उनसे संकेत में कहा, अरे भाई आपने अपना घर नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे घर में जगह नहीं, अरे जगह नहीं है तो रसोई कहाँ बनती है? महाराज जी बहुत छोटी सी जगह है। तो भाई तो क्या हम तुम्हारे बर्तन उठा के लाएं? उनको समझ में आ गई कुछ। उन्होंने कहा कि भाई उनको कैसे इंतजाम करना चाहिए। तो उन्होंने चौका लगाया, हम चार तीन चार मारा थे, एक एक करके गए, आहार हो गया और आहार के बाद विहार हो गया। और वो व्यक्ति वहां से चल करके और साइकिल के सहारे सहारे पूरे इटावा से लेकर के और शिखर जी तक यात्रा कराई। 3.5 महीने 7 महीने रहा और लौट करके जब आए तो जो किराए का मकान था जिसमें हार कराया था उसका केस चल रहा था, मकान मालिक से उनका एग्रीमेंट हो गया कि भाई ये मकान तुम खरीद लो। और उन्होंने उस मकान को खरीद लिया और तोड़ करके 3 मंजिल। ये दान का साक्षात फल मरने की बात किसने देखा? किसी जन्म में मिलता कुछ देख करके तो देखो, अहो भाव से करो। हम ईर्ष्या से करते हैं इसलिए हमें कुछ नहीं मिलता। हम लगे हुए हैं बहुत आरंभ सारंभ में कि पैसा कमाओ। भैया आप पुण्य कमाओ, ये पैसे वाले भी आपके पीछे दौड़े। राम लक्ष्मण सीता जब वनवास को गए कितने जोड़ी कपड़े ले गए, कितने दिन का नाश्ता पानी ले गए, क्या भूखे मर गए क्या? क्या वो 14 साल तक कोई एक जोड़ी कपड़े पहने? बताइए आप। अरे उन्होंने पुण्य कमाया और आग्रह हुआ है आज से 50 साल पहले चले जाए उधर है गांव का जमाई आया मंदिर में दिख गया, हमारे यहाँ भोजन करने को ला दो साहब, हमारे यहाँ करो साहब, अरे आप तो ससुराल में आए वहीं का खाओगे, हमसे नाराज हो, हमारे यहाँ खाना पड़ेगा। घर में उसके ससुराल में खाने का नंबर नहीं आता था, आसपास में लोग इतना खिलाते थे, ये आग्रह होता था। मंदिर में भी कोई दर्शन करने नया व्यक्ति आया उसको बड़े विनय से, भैया कहाँ से आए? बाहर से आए, आप देख रहे हैं। अरे ऐसा बात हमारे यहाँ भोजन कर, इतना आग्रह और सम्मान होता था, वो दान के प्रति वो भाव होता था। आज के समय में जो कुछ हो रहा है वो तो आप भी जानते हो कि यदि पत्नी क्या पहले पत्नी पति को कैसे भोजन परोसती थी, अरे तो मना कर रहा है पति नहीं चाहिए, अरे आज रोटी खाओ, आज क्या तबीयत ठीक नहीं है, आज कैसे मना कर रहे हैं तबीयत ठीक नहीं है क्या, ऐसे करके जबरदस्ती रोटी। अब तो वो चौके से वहां अंदर से रसोई घर से आवाज लगाती है, एक रोटी लोगे तो लाओ, नहीं कौन मेहनत करे। तो ये जो महिला जगत का जो स्वभाव बदल रहा है, आर्थिक सरकार खत्म हो रहा है, किसके काम? बहु आरंभ पर बहुत आरंभ बहुत परिग्रह में लगे हुए हैं। हमने उस बहुत आरंभ परिग्रह के कारण अतिथि सत्कार दान और पूजा की सारी क्रियाओं को नष्ट, उसी का परिणाम है कि हम लोग तन मन धन से दुखी। और सुख तो जोड़ लिया, शांति खत्म हो गई, इस सुख के साधन तो जुड़ गए, कहते हमारे पास गाड़ी है सुखी है, मकान है सुखी है, फलाना है सुखी है, कपड़े हैं सुखी है, पर शांति तो खत्म हो गई। पहले लोग दान और पूजा के द्वारा सुख के साथ शांति से, तो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह दुर्गति का नरगति का कारण है। रात्रि में क्यों खाते हो? महाराज क्या करे, दुकान बहुत दूर है,
ये है वो है वो कमाने जाना है। अरे हमारे बुजुर्ग 10-11-12 बजे दुकान खोलते, अपने से पूजन पाठ करके भोजन करके दुकान खोल ली और शाम के सोने के तले बंद कर दी, जो आया उसमें संतोष। तो भाव आरंभ बहुत परिग्रह जोड़ जोड़ करके हम अपनी आत्मा को द्रौपदी के बाहर खोल रहे हैं। किसके लिए कर रहे हो? आप अपने आप से सोचो, आज तक कोई भी हम संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहता हो मेरे पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जिससे पूछो, अरे पिताजी ने उस भाई को दे दिया, पिताजी ने उस लड़की को दे दिया, मैंने आज तक कोई व्यक्ति अपनी पिता की जीवन संपदा से, पैसों से कभी भी कोई भी वस्तु से तृप्त हुआ ही नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत, कोई गुणगान करने वाला नहीं, बस पिताजी ने चीटिंग कर दी, ऐसे कर दिया वैसे। कहने का अभिप्राय है हम बहुत आनंद बहुत परिपक्व किसके लिए कर रहे हैं? जिनके लिए कर रहे हैं वो बच्चे आज क्या देने वाले? आज तब भी तुम अपने माता पिता को कुछ न कुछ कर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए क्या कर सकेंगे, इस बारे में तुम्हें स्वयं चिंतन करना है। जिनके लिए बहुत आराम बहुत परिग्रह आप कर रहे हैं, उसे आपको बेनिफिट क्या है, इस बारे में आपको स्वयं सोचो। भव आरम पर तुम नारकस्ता है, माया तैरिय मायाचारी करने से प्रेम होने का आश्रम बिना सिखाई चातुरी त्रियन की विख्यात पशु पक्षिन में हो लगी मंजन की क्या बात। मायाचार तो से त्रियनचारी मिलती है, पर कोयल कितनी चतुर हो जाती इस मायाचारी, अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, कौए के घोंसले में अन्य पक्षियों के घोंसले में अपने अंडे रख करती है और उनके अंडे चौंसे गिरा देती है। ये भी एक चतुराई करती है, उसकी संख्या कम नहीं हो जाती और रख करके उड़ जाती और उसके बच्चे दूसरे पक्षी ही सेते हैं अंडे को। सोचिए आप, तो मायाचारी करने से त्रिज आयु का बंद होता है। अल्प आरंभ परिवृत्त मानस, थोड़ा आरंभ थोड़ा बोल संतोषी जीवन, पूरी व्यवस्था में अपने आप को आनंदित रखना पर्याप्त है, बहुत है, ज्यादा नहीं चाहिए। यही हमारे लिए सबसे पहले तो अंदर से मनुष्यत्व भाव पैदा हो, मनुष्यता पैदा हो, भाव मनुष्य बनता। हम लोग शरीर के मनुष्य हैं, अंदर की आत्मा के मनुष्य। थोड़ा आराम थोड़ा परिग्रह करने से मनुष्य आयु बनती है और स्वभाव मार्ग है, तो स्वभाव की सरलता बिना सिखाई जो तो सरलता है उससे मनुष्य आयु का आश्रय होता है। और निशील व्रतम से सर्वेशा शील रहत व्रत रहत आयु चारों आयु के आश्रय होता है। शील रहत और व्रत रहत जो क्रिया है वो भोग भूमि के जो मनुष्य और त्रेंच है वो देवायु को बंद कर, तो शील रहत व्रत रहत कैसे देवायु का आश्रय का कारण है, तो भोग भूमि के जीवों की अपेक्षा वो शील नहीं पालते और व्रत नहीं पालते, लेकिन देवायु को बन जाते। बाकी का जो दुरुपयोग करते तो आते श्राद संयमा संयमा काम निद्रा बाल तपाशी देवश्य, श्राद संयम संयमा संयम अकाम निद्रा और बाल। हमने आपको एक बात बताई थी और नहीं बताई तो और बता दे कि सच्चे देव साधु की आराधना करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है, लेकिन बाल अकाम निद्रा और बाल तप, अकाम निद्रा और बाल तप यानी मिथ्यात्व सहित अज्ञान सहित मूर्ता वाला, मूर्ता से कहते मूर्ता से ये जीव नौवें ग्रीव स्वर 12वें स्वर तक जाते,
अन्नमति जो की उपासना करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, उसकी आराधना करने से करने वाला बार में स्वर्ग जाता है। लेकिन सच्चे देवसाधु की आराधना करने वाला नियम का ही बात होता है, 70 कोड़ा पूरी सागर का बंद होता है दर्शन मोहिनी का, और चार तो मोहिनी 40 कोड़ा। तो कहने का अभिप्राय है कि जो हम कर्मों को कमा रहे हैं, तो कौन सा कर्म हम कमाते हैं, किसका निमित्त नौ कर्म है, तो श्राद्ध संयमादि संयमा काम निद्रा और बाल तप ये देवायु के आश्रय का कारण है। तो एक सम्यक सहज चारित्र, दूसरा मिथ्यात सहज चारित्र, और यदि उसके पास चारित्र नहीं है केवल सम्यक है तो वो कहाँ जाएगा, तो आचार्य के सम्यक तो मुख्य सम्यक देवायु की आश्रय, सम्यक अकेले से और देवायु मिल सकती है, ऐसा आचार्य भगवंत ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में हम सबके लिए लिखा है। भैया ये मॉल है, तत्व का मॉल है, तत्वार का माल है, हर चीज बिक रही है, आप अपने अभिप्राय से जो चाहो सो खरीद सकते, बाजार में हर तरह की चीज मिलती है, आप जिस पर श्रद्धा होती है, जिसका आप दैनिक समझते हैं उसी। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग तत्वार सूत्र को बड़े मनोयोग से, हर सूत्र की उसकी जो वाइब्रेशंस है अपने मन वचन काय में उसे पैदा करें, तो अवश्य ही जिस क्रिया को, इस व्यवहार को हम शरीर वचन और मन के द्वारा करते हैं, तो तुरंत उसका हमें वो मालूम होना चाहिए कि इससे ये वाली वर्णाएं आने वाली, इससे ये वर्णाएं आती, तो कल्याण का मार्ग खुलेगा, जब महावीर होगा। देवगति छोटे जाति के देव बन जाते, द्रव्य तपस्या का फल भी मिलता है। अब मिथ्या दृष्टि जी दिगंबर मुनिराज बन करते हैं और जो है नौवे गृह तक जाते, द्रव्य तपस्या का फल। वही तो बात है, अपराध करते हैं तो कितना समय लगता है, एक मिनट नहीं लगता, और उसकी सजा कितनी मिलती है, 20 साल की, किसी को मृत्यु दंड। हाँ तो कसाय तो अपन एक क्षण के लिए करते, उसका फल मिलता है, बढ़िया बढ़िया, आजा बेटा मैदान। बेटा ऐसा नहीं है, ये तो सामाजिक व्यवस्था से दंड मिलता है, कर्म सिद्धांत का तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण की विशेष, वो जो है कर्म का न्याय अलग ढंग से है। ये तो व्यवहारिक, आपके ऐसे कितने भी लोग हैं जो बिल्कुल गलत करते जाते हैं, उनका कोई और सम्मान बढ़ता जाता है, बढ़ती जाती है, गुंडे हैं ये है वो है, लोग उनसे डरने लगते हैं, उनका सम्मान करने लगते हैं, साथ के रखते हैं, लेकिन जब उनका फल मिलता है तो पता लगता है। हेलो राहुल भैया, हेलो,
क्या हुआ? क्या हो गया है? नहीं आ रहा कुछ। स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान अपनी सुरक्षा के लिए होता है और अभिमान दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए। अभिमान कसाय का प्रदर्शन है, स्वाभिमान अपनी आत्मा का संरक्षण। स्वाभिमान में मर्यादा है, जब कोई व्यक्ति ज्यादा बढ़ चढ़ करके अपना अभिमान दिखाता है उसके कहे तुम अपनी औकात में रहे। दूसरी बात कि अवचेतन मन पर कुछ हमारे विचार होते हैं, अवचेतन मन पर, उससे भी स्वप्न आ जाते हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार के जो स्वप्न हैं, दैविक शक्तियों के द्वारा संकेत दिए जाते हैं, वो उनका प्रभाव होता है। और वैसे शारीरिक रूप से विकार द्वारा उत्पन्न होते हैं स्वप्न, वह मन को थोड़ा विकृत करते हैं और अनुत्साहित करते हैं, आत्मबल को घटाते हैं। अच्छे स्वप्न आदमी की अंदर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो स्वप्न का प्रभाव तो होता ही है, उसके फलादेश अलग अलग होते हैं। लेकिन वातित कप की प्रकृति से स्वप्न उत्पन्न होते हैं, उनका ज्यादा अपना नहीं होता है। और अवचेतन मन की धारणा से वो आते हैं, तो उसका एक उतई प्रतिफलन है आकर्षण विकर्षण। लेकिन जो दैविक शक्तियों के द्वारा स्वप्न निर्देश होते, अच्छे बुरे वो नियम से फल देखते। किसी स्थिति में प्रतिक्रिया करते समय कैसे जाने कि हम जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो स्वाभिमान के लिए है या अभिमान के लिए? जब तक हम उसको नीचा दिखाने के लिए प्रतिक्रिया कर रहे हैं, बदला लेने की भावना से कर रहे हैं, तो समझ लेना कि वो आपकी स्वाभिमान नहीं मारता। प्रतिक्रिया में हमारा अभिप्राय ज्यादा सफाई लगाने का है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का है, या उसको नीचा दिखाने का है, ये सब दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू। स्वाभिमानी व्यक्ति गंभीर होता है और समय पर ही उसको इस ढंग से उसको जवाब देता है, या उसको स्वयं जवाब मिल जाता है प्रतिक्रिया करने वाले को, कि वो विचलित नहीं होता। पहली बात तो
स्वाभिमानी व्यक्ति विचलित नहीं होता है। कैसे, जैसे कुत्ता भौंकता है तो हाथी अपनी मस्त चाल में जाता है, वो स्वाभिमानी होता है हाथी और कुत्ते के अहंकार से वो विचलित नहीं होता। ऐसे अहंकारी व्यक्तियों से स्वाभिमानी व्यक्ति विचलित नहीं होता, उनकी हर बात की नहीं। बिना चालक के समय पूछता है, हाँ हो सकता है। आज भी आ रहे हैं क्या? और नॉन प्रश्न हो रहे हैं। मोह राग और राग में क्या भेद है? मोह का उपाय, तुम मुझे अच्छे लगते हो, ये राग है, तो तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता ये। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्वप्न दैविक है कौन सा स्वाभाविक? अच्छा, इसको जो विशुद्धि होती है और जो दैविक शब्द होते हैं तो कभी कभी उसमें दुत्त हो जाता है, तित्त हो जाता है, यानी एक बार संकेत दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, और वही वही चीज जो है रिप्रिंट हो जाती है, और जो वैसे होते हैं स्वागत ऊपर। नमोस्तु माशी। हाँ माशी, ये न क्या है? ये नैगम संग्रह विहार्दी सूत्र शब्द समवीर पूर्णमता। हाँ जी, प्रमाण में भेद करने की विधा को नहीं कहते। प्रमाण यानी पूर्ण चीज को, उसमें क्या क्या है उसकी विधा, उसका नाम नय है। जो प्रमाण में भेद कराता है, सिखाता है, उसका नाम नय है। तो वैसे तो मुख्य नय निश्चय नय और व्यवहार नय है, लेकिन उसको और समझाने के लिए आचार्य भगवान ने द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, ये विवक्षा भेद करके और वस्तु स्वरूप को समझाने की जो विधा है, वस्तु स्वरूप को समझाना में जो सहायक है उसे नय कहते हैं। नया चीज की नया, जो वस्तु स्वरूप को समझाने में सहायक बन जाता है उसे नय कहते हैं। नमो सुमाश वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं।